PS4 को लेकर आई है एक बड़ी खबर सामने। आखिरकार ये कब ऑफिशियल होगी और कौन सी एक्ट्रेस है जो ऋतिक रोशन के साथ में कंपैरिजन में नजर आने वाली है? आखिरकार क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आप सभी को बता दूं, साल 2003 में फिल्म आई थी कोई मिल गया, और उस फिल्म ने एक ऐसी जॉनर की फिल्म थी जिसमें शायद से कोई और एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था। बता दूं आपको, ये फिल्म साल 2003 में सुपर डुपर हिट रही थी। उसके बाद में फिल्म आती है क्रिश, जहां पर इंडिया का पहला सुपर हीरो मिला था जो कि क्रिश के किरदार में मिला। लेकिन उसके बाद फिर क्रिश 3 आ गई और क्रिश 4 को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं कि क्रिश 4 फिल्म आने वाली है। लेकिन इस आने वाली के चक्कर में काफी समय से इंतजार हो रहा था, लेकिन इस बीच जो है खबरें जो है वो सामने आती जा रही है, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल तरीके से नहीं। बता दूं अब कि क्रिश 4 को लेकर खबरें सामने आई है कि ऋतिक रोशन के कंपेयर में जो है एक एक्ट्रेस को लाया जा रहा है। लेकिन कौन है वो एक्ट्रेस? वो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण को कास्ट करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले कृति सरन और कियारा आडवाणी को लेकर भी खबरें सामने आई थी कि क्रिश 4 में कृति सरन या फिर कियारा आडवाणी नजर आ सकती हैं, लेकिन अब दीपिका पादुकोण को लेकर खबरें जो है बहुत ही तेजी से सामने आ रही है। प्लस आपको बता दूं, यहाँ पर फिल्म की अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो यहाँ पर राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा था कि अभी तो स्क्रिप्ट पर ही काम चल रहा है और इस बार क्रिश 4 को एक बड़े पैमाने पर लेकर आने वाले हैं, बड़े प्रोजेक्ट की तरह लेकर आने वाले हैं। और इस बार ऋतिक रोशन जहां एक तरफ हीरो का किरदार निभाएंगे तो वहीं पर विलन का किरदार भी निभाते हुए वही नजर आने वाले हैं। ऐसे में काम जो होना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सही तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए काफी वक्त लग रहा है और इसकी वजह से ही कोई भी अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। तो सिर्फ अटकने लगाते रहो यार, क्या चलता है। चलिए फिलहाल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्रिश 4 का कितना इंतजार है, कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।